लोकसभा चुनाव 2019 अपनी चरम सीमा पर है और हम लोग अपने संगठन के जो प्रकोष्ठ मोर्चे हैं उनको सक्रिय करने में लगे हुए हैं। आज जितने हमारे मोर्चे हैं उनके मोर्चों के जिला पदाधिकारियों को, मोर्चे के अध्यक्षों को हमने यहाँ पर बुलाया है और इनको अभी तक चुनाव की घोषणा और उम्मीदवार तय होने के बाद क्या क्या काम इन्होंने किया है उसकी समीक्षा हम करेंगे और आगे का इनको हम योजना बना कर देंगे कि युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में, हमारे ओबीसी के लोग हैं उनके बीच में जाकर हम पार्टी की रीति नीति के बारे में बात करें, हमारी राजस्थान में जो वसुंधरा जी ने काम किए उन पर बात करें और मोदी जी का 5 साल का जो कार्यक्रम है उसको भी हम अच्छे से उसको बताकर लोगों के बीच में वोट की अपील करें। आज देश को आवश्यकता है नरेंद्र भाई मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा देश आशा भरी नज़रों में देख रहा है, इसलिए ये अजमेर देहात के प्रकोष्ठों की बैठक हम बाद में बुलाएंगे, आज हमने मोर्चों की बैठक बुलाई है जिसमें हमारे प्रमुख पदाधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और मुझे लगता है कि इस बैठक के बाद ये सब लोग पूरी 8 विधानसभाओं में सक्रिय होंगे, सक्रिय होकर अपना काम करेंगे और उसका लाभ हमको मिलेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि पूरे अजमेर लोकसभा में एक वातावरण बन गया है कि मोदी वर्सेज राहुल गांधी और दूसरा एक बहुत अच्छा वातावरण ये बना है कि भागीरथ चौधरी वर्सेज रिजु झुंझुनूवाला, एक बाहरी उम्मीदवार, एक हमारा स्थानीय मिलनसार सबको साथ लेकर चलने वाला उम्मीदवार। कांग्रेस बिखराव की स्थिति में, कांग्रेस बहुत निराश और हताश है, लोगों को लग रहा है कि हमने काम तो हमने किया और एक भी कांग्रेसी को उन्होंने इस योग्य नहीं समझा कि वो उसको लोकसभा का टिकट दे पाए, इसलिए पूरे लोकसभा में एक वातावरण है स्थानीय उम्मीदवार रोज उपलब्ध होने वाले उम्मीदवार, जो आदमी साल में 3 महीने 4 महीने बाहर रहता हो, जिसका कहीं भी ठिकाना नहीं हो उसको कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए गाँवों में और शहरों में सब लोगों में एक वातावरण है, स्थानीय उम्मीदवार की आवश्यकता है।